हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल। आज हम बात करेंगे जो है टाइफाइड फीवर, एंटेरिक फीवर, ये कैसे होता है और इसका इलाज क्या है, इसका लक्षण चिन्ह क्या है, इससे हम प्रिवेंशन कैसे पा सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं, और अपने घर परिवार सदस्यों को और समुदाय के सदस्यों को कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, आप सब के लिए ये चैनल बनी है और आप सबको शिक्षा के हैसियत से इस चैनल में आपको एक सक्षम जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर बना सकता हूँ। अगर आप चाहें तो पूरा वीडियो देखें और समझाने की कोशिश करें। एक बार में समझ नहीं आते तो बार बार देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में और इस चैनल में सबसे साधारण भाषा हिंदी का प्रयोग किया है और अंग्रेजी का प्रयोग किया है, जो हिंदुस्तान में सब लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आप बन सकते हैं एक सफल जनरल प्रैक्टिशनर मेडिसिन में और अपने घर परिवार को बचा सकते हैं। अपना डॉक्टर को जो देने वाला खर्चे हैं, फीस है, उसको आप बचा सकते हैं। मेडिकल स्टोर में अननेसेसरी मेडिसिन परचेज करने से आप बच सकते हैं। सही तरीके से आप अपने आप को इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं टाइफाइड फीवर, एंटेरिक फीवर। मैं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट। चलिए आज एक नई टॉपिक में बात करते हैं। टाइफाइड फीवर क्या है, इसका परिचय मैं आपको बताता हूँ। यह सालमोनेला जातक की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होने वाली इंटेस्टाइन की सिस्टेमिक डिजीज है, यानी कि आंतों में होने वाली एक सिस्टेमेटिक डिजीज है, जो कि सालमोनेला जातक के बैक्टीरिया के वजह से होता है। सालमोनेला टाइफी ग्रुप के जो बैक्टीरिया है उसके वजह से ये दिक्कतें होती हैं, और ये होता है इन्फेक्शन एक तरह के आंतों में। यह रोग का रिजर्वायर जो है इंसानी शरीर है, इंसान का शरीर जो है रिजर्वायर के काम करते हैं, और अदर जो है इसका कंजेक्टिव ऑर्गेनिज्म है वो है सालमोनेला एनिमल इन्फेक्टेड। अगर कोई पशु या पंछी इन्फेक्टेड है सालमोनेला से, और उसका मांस, चिकन, मीट अगर हम सब खाते हैं, जो मांसाहारी जो लोग खाते हैं उसको ज़्यादातर चांसेस होते हैं टाइफाइड होने के। और ये एक तरह का जो है ना वाटर एंड फूड बर्न डिजीज है, पानी और खाने के माध्यम से आते हैं। अब ये पहला जो इन्फेक्शन कराते हैं सालमोनेला टाइफी, वो है टाइफाइड फीवर और पारा टाइफाइड फीवर। दूसरा जो है गैस्ट्रो एंटेराइटिस, जिसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं, एंटेरोकोलाइटिस, लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन, सेप्टिक्स सेप्टिसेमिया। अब ये क्रोनिक रूप जो लेती है बैक्टीरिया का, जो इन्फेक्शन होता है अब आंतों से अगर ब्लड में चला जाता है तो उसको कहते हैं सेप्टिसेमिया, जिसके वजह से काफ़ी सारे नुकसान होती है हमारे बॉडी में, गुर्दा फेल तक का नौबत आ जाता है और कई सारे ऐसे कहानियाँ खराब हो जाती हैं। अब एटियोलॉजी, कॉज, कारण में चलते हैं। टाइफाइड का क्या कॉज है, प्राइमरी रिसोर्स जो है इन्फेक्शन का वो है इन्फेक्शस एजेंट, यानी मतलब सालमोनेला टाइफिया, सालमोनेला पारा टाइफी का जो इन्फेक्शन है इंसानी शरीर में या पशु पंछी में, जिसका मीट खाने से या पानी के माध्यम से आता है या खाने के माध्यम से आता है, तो जो है पहला वो है एजेंट। अब ह्यूमन बॉडी जो इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शस एजेंट जो है बैक्टीरिया जो कि स्टूल और यूरिन में पाई जाती है इंसानों का, जो इन्फेक्शन से ग्रसित है, और वो बैक्टीरिया जो है पेशाब के माध्यम से और लैट्रिन के माध्यम से बाहर आते हैं, जो लोग खुले में शौच करते हैं वो नुकसानदायक है। सेकेंडरी रिसोर्स है जो है कंटामिनेटेड वाटर, फूड, और कंटामिनेटेड जो है लैंड, जमीन, जहाँ पे खुले में लोग दिशा पेशाब करते हैं। फ्लाइज, मक्खियों से भी ये ट्रांसफर होता है। होस्ट फैक्टर है ऑल एज, यानी मतलब बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सबको ये दिक्कतें होती हैं। स्पेशली 5 साल से लेकर 22 साल के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा होता है ये, क्योंकि इस एज में जो है बाहरी खाने का बड़ा बड़ा शौकीन होते हैं। अब आता है बात सालमोनेला बैक्टीरिया, जब इंसानी शरीर पर प्रवेश करता है तो ये कहाँ जाके रुकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में, जहाँ इन्फ्लामेशन कराता है, सूजन बढ़ती है, फिर यहाँ से ब्लड के लेवल में पहुंच जाता है ये, और साथ ही लीवर, स्प्लीन और
लिम्फैटिक सिस्टम को भी ये नुकसान करता है। ये होस्ट फैक्टर में ही आता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में एक तरह का, समझ लीजिए। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो वातावरण का जो फैक्टर्स है वो है वाटर, आइस, फूड, बड़े बड़े सिलियाँ बर्फ के बनाते हैं, जो लोग घर में फ्रिज नहीं है वो यूज करते हैं बर्फ़ को ठंडे पानी गर्मी मौसम में पीने के लिए। फूड कंटेंट मिल्क प्रोडक्ट और सॉइल वाटर, जमीन में जो पानी लगा जाती है दिशा पिशा वाला उसका नुकसान होता है। इनक्यूबेशन पीरियड जो है 10 से लेकर 14 दिन का है, जब ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं 10 से 14 दिन के बीच में ये अपना पूरी तरह से मैच्योरिटी दिखा जाते हैं और जो है टाइफाइड का सिम्टम्स आने लग जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, सरने के तरीका क्या है, फिकल ओरल रूट्स और यूरिन ओरल रूट्स, यानी मतलब दिशा और पिशाब किसी अप्रत्यक्ष तरीके से हमारे खाने में आ जाना, हमारे पीने वाले पानी में आ जाना, जिसके वजह से फूड कंटामिनेट और वाटर कंटामिनेट की वजह से हमें ये दिक्कतें होती हैं। ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर, हमने कंटामिनेटेड वाटर पी लिया उसके वजह से होता है। इन्फेक्टेड मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे हमने दही जमाया, दही खरीद के लाए या आइसक्रीम खा रहे बाहर, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन है तो आ सकता है। वेजिटेबल हम बाहर मार्केट से लाते हैं और हमने जब धोया है या वहाँ पे जो लोग धोया है, जो गार्डनर हैं और ये सब्जी बेचने वाले हैं, वहाँ पे जो है नाले के पानी से धो के अगर उसने दे दिया तो वहाँ पे हो सकती है। फिर आते अनहाइजीनिक क्लीन फिश एंड मीट, जो नॉन वेज है खाने वाले उसके लिए दिक्कतें हैं, जो मछली खाते हैं मीट खाते हैं और वहाँ से साफ सफाई नहीं हुई तो दिक्कतें आ सकती हैं। फ्लाइज कैरियर, अब ये जो मधुमक्खी है ये उठ के इधर उधर उड़ते रहते हैं, हम होटल में खाना खाए और वहाँ की मक्खी आ गई, हमारे घर में भी नाले की मक्खी आ गए तो हमें दिक्कत हो सकती है। सोशल फैक्टर में जो है कल्चरल फैक्टर्स है और इकोनॉमिकल फैक्टर्स है। अब कल्चरल फैक्टर में क्या है, फीसेस एंड यूरिन फ्रॉम जो है केस ऑफ कैरियर। अब यहाँ जो है लेटिंग जो लोग खुले शौच में करते हैं वहाँ पे पेशाब करते हैं, दिक्कत आ सकती है। वाटर सोइल फ्लाइज फिंगर्स, जमीन के पानी में मक्खियाँ बैठना और उड़ के फिर हमारे खाना वाना और हमारे उंगली में रहना, अच्छी तरह से साफ नहीं किया आपने तो उसमें आ सकती है। फूड रॉ और कुक्ड, मान लें जो लोग गाजर मूली खेतों से निकाल के आज वहाँ खेतों में पानी लगती है मलजल के लिए तो उसमें भी आ सकता है, और अपने प्रॉपर खाना 100 डिग्री टेम्परेचर में नहीं बनाया है तो क्या हो सकता है कि ये बैक्टीरिया मरती नहीं और हमारे खाने के माध्यम से भी आ सकता है, जैसे कि गाजर मूली हम अक्सर यूज करते हैं, कुछ साग सब्जी यूज करते हैं वहाँ से भी आ सकता है। अच्छे से धोना है उसको आपको गर्म पानी में। माउथ ऑफ वेल पर्सन, अब ये जो इकोनॉमिकल फैक्टर है अब ये हमारे हाथ में आ जाते हैं, हमारे नाखूनों के बीच में आ जाता है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिक बैक्टीरिया और हम खाते हैं खाना तो उस कंडीशन में आ सकता है। साइन एंड सिम्टम्स, अब आते हैं बाद 4 वीक्स का, इसका जो है पूरा एक शेड्यूल है, 4 हफ्ते तक इसका अलग अलग हर हफ्ते का है साइन सिम्टम्स हमारे बॉडी में जब ये बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं। फर्स्ट वीक में जो है सीवियर हेडेक होता है, बहुत सर में दर्द होती है, साथ में बुखार, रिमिटेड फीवर, एकदम ये जो फीवर होता है 102, 103, 104, तो ये स्टेप लैडर फैशन टाइप कहते हैं इसको, डेली इंक्रीज टेम्परेचर जो है स्टेप लैडर कहना मतलब जो जीना की तरह होता है तो ऊपर की तरह ये ऐसे बढ़ती है फीवर 103, 104 तक पहुँचता है, फिर उसके बाद जब दवाई शुरू करते धीरे धीरे घटना शुरू होता है। ये 4 से 5 दिन की होती है। जो सिम्टम्स हैं वीकनेस, एनोरेक्सिया और अनवेल फीलिंग, कमजोरी आना और खाने में रुचि ना होना और अनवेल एक जो अनइजीनेस फीलिंग होती है बॉडी में। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, जब हम पल्स रेट देखते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री में हमारे जनरली बढ़ना चाहिए पल्स रेट, वो बढ़नी चाहिए आपको पल्स रेट, यहाँ पे होता है ये है रेडियल अल्वर पल्स रेट, दोनों तरफ से आप देख सकते हो, तो इसमें जो है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने में आपका 8 टाइम्स आपको पल्स रेट बढ़ना चाहिए, इसको कहते हैं रिलेटिव टेकार्डिया, लेकिन यहाँ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया बात हो रहा है। जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रही है उस हिसाब से आपका धड़कने कम होता है, यानी मतलब आपका 101 टेम्परेचर है तो आपके धड़कने जो है 72 नेचुरल है तो उसमें क्या होती है वो कम होता है, हो सकता है 80 हो सकता है 60 में आओ पल्स रेट, इसको कहते हैं रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, पल्स रेट कम होना रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। कंस्टिपेशन, यहाँ कब्ज भी हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है फर्स्ट वीक में। एपिटैक्सिस, नाक से
है ना, खून बहना, तो ये भी एक रीजन है। और ड्राई कफ कई बार होता है। ये तो आपका फर्स्ट वीक का हो गया। अब चलते हैं सेकेंड वीक में। टाइफाइड फीवर का जो सिम्टम्स है वो है मेंटल डिस्टर्बेंस, मानसिक एक तरह बेचैनी होता है, कंफ्यूजन रहती है, और एब्डोमिनल पेन भी होता है, डिस्कम्फर्ट भी रहती है, डायरिया यहाँ भी होता है विथ म्यूकस के साथ में होती है, सफ़ेद म्यूकस होता है, लेटिन में चिकनाहट होती है। और फिर आते बात रोज स्पॉट, हमारे जो है सम पेशेंट, कुछ पेशेंट भी देखा जाता है रोज स्पॉट, हमारे पीठ में जो होता है लंबर रीजन, थोरेसिक रीजन में कुछ व्हाइट व्हाइट स्पॉट आते हैं यहाँ पे। अगर एंटीबायोटिक शुरू कर लिया है तो ये नहीं भी दिख सकता है, रेयर केस में दिखते हैं ये रोज स्पॉट्स सिम्टम्स। स्प्लीन मेगाली, अगर हमने जो है लेफ्ट साइड, जो है लेफ्ट साइड एपिगैस्ट्रियल रीजन में अगर देखते हैं छू के, तो वहां पे आपको स्प्लीन का साइज बड़ा मिलेगा। और देखने का तरीका है आपको सेंट्रल अम्बिलिकल रीजन से छामते पैसेज करके छामते जाना है और थोड़ा दबा के देखना है, तो आपको स्प्लीन बड़ा मिलेगा। अब जो है थर्ड वीक का जो बात आता है, इंटेस्टाइन आंतों में ब्लीडिंग हो सकती है, हमारे रिलेटिव गाली आ सकती है उस समय में, और पेरिटोनियल परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं, तो आंतों में छेद भी हो सकती है, और इस कंडीशन में हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, एनीमिया में चला जाता है पेशेंट। जो हेमोग्लोबिन 12 ग्राम से ऊपर होना चाहिए वो आपको कम मिलेगा, 10 मिलेगा, 11 मिलेगा, ब्लीडिंग वजह से। अब आते हैं फोर्थ वीक का सिम्टम्स। ड्यू टू डिजीज के वजह से अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ी है तो आपको कई सारे चीज़ें देखने मिलेंगे। ऑस्टियोमलाइटिस, यानी मतलब ऑस्टियोमलाइटिस जो है घुटना जो होती है दोस्तों, यहाँ पे सूजन आता है और वहाँ पे दिक्कतें आ जाती है। और पेरिटोनाइटिस जो है ना, ये पेरिटोनल कैविटी है, यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होती है, जिसकी वजह से आप जो है लगता है कि पेशेंट मोटा हो गया, लेकिन मोटा होता नहीं, वो आँख में इन्फ्लामेशन की वजह से सूजन आ जाती है। पाइलोनेफ्राइटिस, किडनी में जो है एक तरह का इन्फ्लामेशन होना। कोलिसिस्टाइटिस जो है एक तरह का जो है गल ब्लाडर में इन्फ्लामेशन होना। न्यूमोनिया जो है लंग्स में इन्फ्लामेशन होना। मेनिंजाइटिस जो है, ये इसको कहते हैं मेनिजेज, यहाँ पे होता है लोअर ब्रेन में मेनिंजेज होती है, और यहाँ पे इन्फ्लामेशन जब होती है तो पेशेंट ऐसे रहता है, ऐसा कर जाता है, इसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। अब इन्वेस्टिगेशन आपको क्या क्या कराना है। इन्वेस्टिगेशन जो है CBCM करेंगे, तो जिसमें TLC काउंट जो है, WBC जो है कम मिलेगा आपको, जिसको कहते हैं ल्यूकोपेनिया, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कम हो जाता है, जो कि नॉर्मल रेंज है 4,000 से 11,000 के बीच में, उससे आपको कम मिलेगा। ब्लड कल्चर आपको कराना होता है सेंसिटिविटी, जो कि साल्मोनेला जो है ग्रोथ मिलेगा वहाँ पे, और आपको एक या दो या चार एंटीबायोटिक आपको सेंसिटिव मिलेंगे, +1, +2, +3 करके, जिसमें अच्छा सेंसिटिविटी है उसको आप यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में। स्टूल रूटीन में आपको देखना है रूटीन एग्जामिनेशन, मैकेनिकल एग्जामिनेशन और ऑकुलर ब्लड, क्योंकि स्टूल में अगर कोई ब्लीडिंग है तो ऑकुलर ब्लड पॉजिटिव आएगा और जो है बैक्टीरिया मैकेनिकल एग्जामिनेशन दिखाई देगी। साथ में यूरिन रूटीन भी करा सकते हैं। अब यहाँ पे आता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट जो है वो एक स्लाइड टेस्ट है, प्रेसिपिटेशन एग्लूटेशन मेथड में देखी जाती है, वो लैब वाले देखते हैं, और वो पॉजिटिव आता है, मान लो 1:80, 1:20 आता है, 3:20 आता है, तो वो पॉजिटिव केस है, 1:80 से नीचे जो है नेगेटिव है। अब आते हैं उससे अच्छे टेस्ट में, अगर हम जाते हैं तो टाइफी डॉट एंटीजन है। अब रिसेंट केस को आपको देखना है तो IgM टेस्ट आपको कराना है, और लेटर टेस्ट को देखना है तो आपको IgG करानी है, क्रोनिक टेस्ट, यानी कुछ इलाज लेने के बाद भी अगर हमारे लीवर सेल्स में गल ब्लाडर के GBD में जाकर रुकी हुई हो ये बैक्टीरिया साल्मोनेला, तो ये बाद तक पॉजिटिव आएगा IgG। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन में, कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है टाइफाइड की वजह से। लेटर स्टेज में अगर ट्रीटमेंट लिया फेल हो गया और इलाज सही से नहीं कर पाए, किसी वजह से फेल हो गई, तब जाके हमारे मेडिसिन काम नहीं किया, तो जाके आती दिक्कत कॉम्प्लिकेशन। परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन वाल, हमारे जो आंतों के जो वाल है वहाँ से छेद हो सकती है। दूसरी जो है सेप्टिसेमिया हो सकता है, ऑस्टियोमेलाइटिस हो सकती है, कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, दिल का बीमारी, मेनिंजाइटिस हो सकते हैं, मेनिंजाइटिस का इन्फ्लामेशन, बोन एंड ज्वाइंट का इन्फेक्शन हो सकता है। अब आते हैं डायग्नोसिस में, लक्षण एवं चिन्ह के आधार में अगर आप रोगों की डायग्नोसिस बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं तो आपको लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से आपको मदद मिलेगा। और एग्जाम्पल है रेमिटेंट फीवर और ब्रेडिकार्डिया और स्प्लेनोमेगाली, ये तीन चीज़ आपको मिल रही है तो ये टाइफाइड है। टीएलसी काउंट आपको लो मिलेंगे और डिफरेंशियल काउंट भी आपको लो मिलेंगे, जिसमें लिम्फोसाइट की मात्रा कम हो जाता है इसमें। अब आते हैं ट्रीटमेंट, हमें घर पे इलाज क्या करना है। अब यहाँ पे खाने पीने का जो है तरीका वो लिक्विड एंड सॉफ्ट डाइट है, और बैलेंस डाइट लेनी है, प्रोटीन डाइट लेनी है, और पानी कमी को अगर बचाना है रिहाइड्रेशन थेरेपी कहते हैं, वाटर घर में जो है आपका आरओ पानी है वो यूज कर सकते हैं, ओआरएस यूज कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो, लिक्विड फॉर्म में आप सूप बना पी सकते हैं, इस तरह से दूध पी सकते हैं। बेड्स रेस्ट करना है, पेशेंट को आइसोलेशन एकदम सेपरेट रखनी है। फीवर एंड हेडेक्स अगर सिम्टम्स है तो टैबलेट पैरासीटामोल डोलो, यहाँ पे आपको NSAID ग्रुप का जो मेडिसिन है ब्रूफेन बोवरान, इस तरह की दवाइयाँ यूज नहीं करनी है, क्योंकि इन दवाओं की वजह से क्या होता है इंटेस्टाइन तो कमजोर है ही और स्टमक और ब्लीडिंग हो सकती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, हमें पैरासीटामोल प्लेन यूज करनी है, अगर उससे फीवर यूज कम नहीं होता फीवर तो हम यूज कर सकते हैं मेफेनिमिक एसिड, मेफ्टल पी के नाम से आता है, उससे फीवर जल्दी तेजी से उतरती है। और नाउजिया वोमिटिंग है तो हम ओंडेंसेट्रोन एमसेट टैबलेट दे सकते हैं 4 mg के, मोर्टिजोल होता है जिम में रखने के बाद हम उल्टी कम करना है, या डोमस्टल यूज कर सकते हैं डोमपेरिडोन। अब एसिडिटी कंट्रोल के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, टैबलेट एसिलक रैनिटिडिन है, और उसमें और अच्छे में जाएंगे तो पेंटोप्राजोल है, और उसमें अच्छे में जाएंगे तो रैबिप्राजोल है, हम उसको यूज कर सकते हैं खाली पेट, सुबह एक टाइम दे दें या दो टाइम दे दें उस हिसाब से। अब बात है स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का, अगर हमने कल्चर टेस्ट किया है दूसरे तीसरे दिन रिपोर्ट में आ जाता है तो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक वो इंडिकेट कर देते हैं, आप ये दे सकते हैं 3+ वाला जो कारगर है, नहीं तो आपको एक अनुमानित एंटीबायोटिक देना है। चॉइस ऑफ ड्रग्स है टैबलेट ओफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्स जेनफ्लोक्स के नाम से आते हैं, 200 से 400 mg आप वेट के हिसाब से दे सकते हैं, 50 किलो के ऊपर के वेट हैं तो आप 400 mg सुबह शाम यूज कर सकते हैं, 50 किलो से कम के वेट है आप 200 mg सुबह शाम यूज कर सकते हैं। साथ में आप दो एंटीबायोटिक कम्बिनेशन भी दे सकते हो, जैसे कि ओफ्लोक्सासिन और सिफैक्सिन कम्बिनेशन भी आता है तो इसके साथ भी दे सकते हो, नहीं तो आप अलग अलग भी इलाज कर सकते हो किसी एक एंटीबायोटिक से। सिफैक्सिन जीपी के नाम से आता है, सेफी ओक नाम से आता है, 200 से 400 mg, सेम इसका भी है, 50 किलो से नीचे के वेट है 200 mg और 50 किलो से ऊपर का वेट है तो 400 mg सुबह शाम देनी है। और भी एंटीबायोटिक आप यूज कर सकते हैं, एम्पीसिलिन से भी इलाज कर सकते हैं, या एमोक्सिसिलिन से भी इलाज कर सकते हैं, टैबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन से भी इलाज कर सकते हैं, और ये तो आपका ऑप्शनल होगी एंटीबायोटिक। और प्लस इसमें कंटिन्यू होगा कैप्सूल वाइजिलैब जो प्रोबायोटिक और मल्टीविटामिन है, ये खाने के बाद देना है सुबह शाम इस तरह। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में क्या होता है टाइफाइड फीवर का इलाज। हॉस्पिटल में जो हम पहुँचते हैं तो वहाँ जब भर्ती करते हैं वहाँ पे ये इलाज शुरू करते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से, इंजेक्शन पैरासीटामोल डोलो कार्बोल के नाम से आता है 100 ml, IV ओवर हाफ एन आवर के बीच में हमें देना है स्लो स्लो, और इससे फीवर उतार सकते हैं। और इंजेक्शन एसिलक या पेंटो 1 ampoule या 1 vial किसी एक दो में से हम एस्टेडोज ODBD लगा सकते हैं। और इंजेक्शन पेरिनरम है एंटीएमेटिक उल्टी रोकने के लिए, ओनडेम है एंटीएमेटिक ओंडेंसेट्रोन 1 ampoule, ये हम पेरिनरम अल्टरनेटिव में ओनडेम दे सकते हैं उल्टी रोकने के लिए IV में, ये इस तरह से। और इंजेक्शन एंटीबायोटिक आता है ओफ्लोक्स 100 ml हमें, या सिप्लोक्स 100 ml, ये क्विनोलोन ग्रुप की दवाइयाँ हैं, दो में से कोई एक यूज कर सकते हैं IV BD 100 ml, अगर ये 50 किलो से ऊपर के वेट के लिए है तो। और साथ में हम दो एंटीबायोटिक कम्बिनेशन भी इलाज कर सकते हैं, इंजेक्शन मोनोसेफ बहुत अच्छी सेफालोस्पोरिन ग्रुप का 3rd generation का मेडिसिन है तो इसको यूज कर सकते हैं, सेफ्ट्रैक्जोन के नाम से आता है ये मोनोसेफ जो है 1 gram और 2 gram, और 50 किलो से ऊपर का वेट है तो 2 gram है यूज करना होता है सुबह शाम, और 50 किलो से नीचे का वेट का है तो 1 gram करना होता है। लेकिन ये इंजेक्शन लगाने से पहले आपको स्किन टेस्ट करना होगा आफ्टर सेंसिटिविटी, अगर उसमें कोई एलर्जी स्किन रैशेस नहीं आ रहा है तो आप लगा सकते हैं, आती है तो फिर आपको होल्ड करना है, फिर आपको दूसरा ऑप्शन यूज करना है। और डिहाइड्रेशन को आपको मेंटेन रखने के लिए, हाइड्रेशन करने के लिए RL NS DNS का इस्तेमाल करना है। किसी पेशेंट को शुगर है तो RL और NS ही दे सकते हैं IV फ्लूड आप 6 hourly 8 hourly जो है डिहाइड्रेशन के हिसाब से। साथ में एक मल्टीविटामिन यूज करें, एल्डरबिट है, ओलिवियन है, ऑप्टिन्यूरल है, MBI है, ये भी स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट करके आपको ड्रिप में डाल के 500 ml चलाना है।
और इसमें उल्टियां बहुत आती है, और उसको रोकने के लिए आपको एंटीएमेटिक रेगुलर यूज करनी होगी, और फीवर उतारने के लिए आपको पैरासीटामोल और मेप्टन पी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो पेट को नुकसान ना करें। और प्रिवेंशन के लिए आप काम कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन अच्छी तरह से सैनिटेशन करनी है, साफ सफाई रखनी है, और कैरियर पर्सन को ट्रीटमेंट करना है पूरी तरह से 7 से 14 दिन के बीच में। इम्यूनाइजेशन, टाइफाइड का एक वैक्सीन आता है लेकिन वो काफ़ी महंगी है, मैंने कई जगह पता किया है, जो है आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। कुछ सस्ते वैक्सीनेशन भी है, जो पॉलीसेक्राइड है वो सस्ता है, तो इस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। और वो इंजेक्शन लगते हैं डेल्टल मसल्स में, आपको किसी डॉक्टर से ही सलाह लेके वो वैक्सीनेशन करानी है, और ये सीजनल आपको लगाना पड़ेगा एवरी ईयर, तब जाके बात बनेगी। दोस्तों चैनल में अच्छी लगी हो कंटेंट जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बीच में शेयर करें, और बेल बटन प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास वीडियो अपलोड होते आपके पास पहले पहुंचे। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही कामना के साथ में अगले वीडियो में मिलते हैं।